नहीं लगता बाकी तो मैं बाकी ये सब कर लेता हूँ बस इंग्लिश याद नहीं कर पाता तो इंग्लिश से मेरे को पैसा मिलता है तो मैं करने लगता हूँ होता है तो मजा आता है ये काम करने में तो अच्छा लगता है सबको मजा आएगा मैं फोर्थ में घर से चला रहा हूँ फोर्थ से हेल्प करते आ रहे हो मैं पापा की हेल्प करना चाहता हूँ ना पैसे की जरूरत नहीं है मेरे को पापा के लिए दिन भर रहते मैं चलो मैं भी चल रहा तुम्हारे साथ हेल्प करते हो ये तो और भी बढ़िया बात हो गई यार है कौन सी क्लास में पढ़ते हो टेंथ में तो नाइन्थ का रिजल्ट कैसा था नाइन्थ का भी अच्छा है टेंथ का भी अच्छा गया कितने परसेंट 72.6 नाइन्थ का नहीं नहीं टेंथ का अच्छा टेंथ तुम क्रॉस कर चुके 11th में गया हूं अब 11th में गए हो अरे वाह और 11 से तुम ये बिजनेस शुरू कर दिए अपना नहीं बिजनेस तो जब मैं फोर्थ में घर से चला रहा हूँ हाँ फोर्थ से हेल्प करते आ रहे हो पापा जी हैं तो कैसा लगता है ऐसा नहीं लगता कि अरे ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा दूसरे बच्चे खेलते हैं नहीं ऐसा नहीं होता कुछ किसी मेरे को पैसा मिलता है तो मैं करने लगता हूँ है होता है ऐसा तो मजा आता है ये काम करने में अच्छा लगता है मिलेगा तो सबको मजा आएगा तो अभी तुमको इस उम्र में क्यों पैसे चाहिए पापा के पास तो है ही मैं पापा की हेल्प करना चाहता हूँ ना पैसे की जरूरत नहीं है मेरे को पापा के लिए दिन भर रहते मैं चलो मैं भी चल रहा तुम्हारे साथ आ जाता हूँ फिर आदत पड़ गई तो पापा का छुट्टी कर दिया मैं रहता हूँ चालू होता हूँ स्कूल जाने लगा आराम देने लगे उनको और क्या पापा शाम को आते बढ़िया आराम तो था कि तो पढ़ाई कौन सी स्कूल से करते हो अभी गोवारीघाट से पढ़ता हूँ गोवारीघाट से पढ़ते हो प्राइवेट स्कूल है कि सरकारी प्राइवेट लाग नहीं पढ़ पा रहे सरकारी है तो हिंदी पढ़ लेते हैं सरकारी पढ़ते हो है ना तो क्या मतलब सरकारी स्कूल में तुम्हारे क्या कमी है जो तुम चाहते हो कि वो हो जाए कुछ कमी नहीं है, है? बढ़िया है अभी तुम बोल रहे थे इंग्लिश के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है नहीं होती है इंग्लिश भी अच्छे से सिखाते हैं नहीं मतलब पढ़ाते हैं लेकिन हम लोग बन नहीं पाते क्या क्या वजह है कि नहीं बन पाते क्या लगता है कि इंग्लिश पढ़ने मन नहीं लगता मन ही नहीं लगता इंग्लिश पढ़ने बाकी तो मैथ बाकी ये सब कर लेता हूँ बस इंग्लिश याद नहीं कर पाता तो ये बताओ मतलब जब कोई तुम्हारे सामने इंग्लिश में बात करता होगा अच्छा लगता है कि लगता है अरे छोड़ो इससे कोई मतलब नहीं अपने को पहली बात तो इंग्लिश में बात ही नहीं करता है नहीं कोई कहीं कोई दूसरा बात कर रहा है तुम सुन रहे हो तो मैं वहाँ से पहले साइड हो जाता हूँ क्योंकि जब आते ही तो क्यों वहाँ पे मतलब बीच में जाओ साइड हो जाओ ये तो उनसे हिंदी बात करता वो भी हिंदी बात करने लगते हैं तो तुमको पता है यहाँ पे ढेर सारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेस चलते हैं क्लासेस चलती हैं जहाँ तुम एक घंटे जाओगे डेली तो इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख जाओगे सीखना जरूरी है जबलपुर में बहुत से बाहर के लोग आते हैं मैं जितनी बार आता हूँ जबलपुर दिल्ली से जबलपुर की फ्लाइट में हर बार इतने फॉरेनर्स होते हैं फ्लाइट में इतने फॉरेनर्स होते हैं कि क्या बताऊँ सिर्फ जबलपुर के लिए तो जबलपुर में बहुत से फॉरेनर्स आते हैं तुम यहाँ इतनी अच्छी जगह में अपना ये काम कर रहे हो तो उनको अटेंड करोगे अपना मार्केट करो ना है तो तुम्हारा ही तो अच्छा ये बताओ जैसे अभी रोजगार के बारे में काफी चीजें होती हैं कि बेरोजगारी बहुत है कुछ जानते हो उसके बारे में हाँ। है तुमको तो डर भी नहीं होगा कि स्कूल के बाद कॉलेज के बाद मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं है तो मतलब तुम ये नहीं करना चाहते फिर कंटिन्यू फिर क्या बनना चाहते हो देखो कुछ भी बन सकता है तो मतलब ऐसा नहीं कि तुमने ये स्वीकार कर लिया है कि यही तुम्हारा करियर है नहीं नहीं ऐसा नहीं है करेंगे तो देखूंगा है तो ये है लड़का जो 11th क्लास में पढ़ता है और अभी मैं इस लड़के से आपको बात करवा रहा था ये ग्वारी घाट रोड है इसके सामने जाते हैं तो ग्वारी घाट आता है और यहीं पे जस्ट बाजू में बिग बाज़ार है और मैं यहाँ पे बच्चों को लेके आया हुआ था क्योंकि आज है बेदू का बर्थडे तो मेरे बेटे का बर्थडे होने की वजह से आज मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि आज पूरा दिन उनको दूंगा तो उनको पूरा टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ अब मैं थोड़ा गन्ने का जूस पीने के लिए यहाँ पे पाज करता हूँ और फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।
तब तक के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।